हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड चैनल्स पर आपका स्वागत है। और आज का इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ देखते हैं। इज़राइल्स बैन ऑन द यूनाइटेड नेशन चीफ। इज़राइल का जो बैन कर रहे हैं किस पर? यूनाइटेड नेशन के चीफ पर। एंड व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। रिसेंटली इज़राइल इम्पोज्ड अ बैन ऑन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो एंटोनियो गटरेस, प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एंट्रिंग द कंट्री। और उनको कंट्री में रोकने से, एंट्री करने से रोका गया और बैन कर दिया गया। दिस एक्शन वॉज टेकन ड्यू टू एलिगेशंस दैट सपोर्ट्स ग्रुप्स सच एज हमास, हिजबुल्ला एंड द हौथीज एंड द ईरान। ये इसलिए किया गया कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल के जो चीफ हैं एंटोनियो गटर्स, इन्होंने हमास को कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट, इसके सपोर्ट में बोला, हिजबुल्ला के सपोर्ट में बोला। ये जो आपने हमास जानते हैं जो गाजा स्ट्रिप के पास है, हिजबुल्ला जो आपको लेबनान में है, और यमन में जाके देखेंगे तो वहाँ की जो मिलिटेंट ग्रुप है हौथीज है, और ईरान के सपोर्ट में कहा। इस कारण से इसराइल ने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को अपने कंट्री में एंट्री के लिए बैन कर दिया। रीज़न फॉर डिक्लेरेशन। द इसराइली फॉरेन मिनिस्टर लेबल्ड यूएनएसजी एंटोनियो गटरेस पर्सोना नॉन ग्रेटा पीएनजी, अर्थात कि ही विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इफेक्टिवली बारिंग हिम फ्रॉम इसराइल। और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब है नॉन एक्सेप्टेबल, एंड इफेक्टिवली उनको बार कर रहे हैं, रोक रहे हैं हिम फ्रॉम इसराइल से दूर रहें। दिस डिसीजन स्टैम्ड फ्रॉम द यूएनएसजीज परसीव्ड फेल्यूर टू अनइक्वोकली कंडेम मिसाइल स्ट्राइक्स फ्रॉम ईरान टारगेटिंग इसराइल। और ये डिसीजन क्यों निकला, क्यों आया, द डिसीजन स्टैम्ड फ्रॉम, क्यों हुआ? क्योंकि यूएनएसजीज परसीव्ड फेल्यूअर, जो यूएनएसजी का जो परसेप्शन था वो फेल्ड हो गया। क्यों? इसराइल ईरान ने जो कि इसराइल पर मिसाइल अटैक किया, और इसमें पूरा कोई डाउट नहीं है, अनइक्विकली कंडेम करना चाहिए उन्हें इस चीज़ को लेकर। लेकिन इस कारण से यूएनएसजी के अच्छे परसेप्शन को लेकर जो कि ईरान ने इसराइल पर टारगेट किया मिसाइल का, दैट इज़ द मेन इशू। Because of that, this decision of banning UNSG chief Antonio Guterres. Israel criticized Guterres for his lack of condemnation regarding Hamas attack on October 7, 2023. Israel इस बात का भी क्रिटिसाइज करता है गटरेस का, क्योंकि जब लास्ट ईयर 2023 में अक्टूबर 7 को जब हमास ने अटैक किया था, तब उन्होंने कोई कंडेम नहीं किया था हमास के अटैक को, which caused approximately 1200 Israeli casualties and resulted in 250 hostages being taken. और उसके वजह से इसराइल में 1200 लोग कैजुअल्टी के थ्रू पास हुए, कैजुअल्टीज उनको हो गई, और साथ में 250 लोगों को हॉस्टेज कर लिया गया। UNSG's per previous statement, despite Israel's accusations, Guterres and the other United Nations entities have repeatedly condemned Hamas action. Despite Israel का accusation जो है, ये इस बात पर लगाया जा रहा है कि इन्होंने UNSG ने कोई कंडेम नहीं किया इस बात को लेकर हमास के अटैक को, Guterres and other United Nation के entities ने repeatedly कई बार हमास के action को condemned किया। In April, the UNSG denounced the use of sexual violence, torture and kidnapping of civilians, describing Hamas एक्शन एज एन अनजस्टिफिएबल। और अप्रैल में UNSG के द्वारा ये भी बात को डिनाउंस किया गया कि जो वहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस हमास के द्वारा किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, किडनैपिंग की जा रही है सिविलियंस का, वो अनजस्टिफिएबल है। गटरेस रिस्पॉन्स टू रिसेंट एस्केलेशंस। ड्यूरिंग द रिसेंट एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग इसराइल मिलिट्री एक्शन इन लेबनान and Iran's missile attack on Israeli bases, Guterres called for a ceasefire. और गटरेस ने जो अभी आपको देखा जो कि लेबनान के साथ जो कन्फ्लिक्ट मिलिट्री एक्शन चल रहा है, और इसराइल के और ईरान के बीच में जो ईरान ने मिसाइल अटैक किया, इसको गटरेस ने इसको ceasefire के लिए अनुरोध भी किया। And Guterres and USG also condemned the
escalation of hostilities without specifically naming either side. और इन्होंने condemn किया इस प्रकार के hostilities को बढ़ने की जो संख्याएं जो हो रही है उसमें किसी इसराइल का नाम लिया, ना हमास का नाम लिया, ना ईरान का नाम लिया, ना ही हौथी का नाम लिया, ना ही हजबुल्ला का नाम लिया, बिना किसी को लेकर बोला कि इस ऐसे hostilities को ख़त्म किया जाए, इसको रोका जाए. After the declaration of PNG means आप unacceptable हैं by the Israel status, the Guterres clarified his stance by strongly condemning the massive missile attack by Iran on Israel, and yet the ban from Israel remained in effect. तो ये भी देखा गया कि जो इसराइल ने उनके ऊपर PNG स्टेटस डाल दिया है कि अनएक्सेप्टेबल है, हमारे यहाँ बैन है. गटर्स क्लेरिफाइड, उन्होंने क्लेरिफाई किया अपने स्टांस को एंड स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि मैसिव मिसाइल अटैक बाय ईरान ऑन इसराइल, और कंडेम कर रहे हैं कि जो ईरान के द्वारा जो इसराइल पर अटैक हुआ है उसका कंडेम कर रहे हैं. येट द बैन फ्रॉम इसराइल रिमेंड इन इफेक्ट, और इसके बावजूद भी इसराइल जो है गटर्स पर अपना बैन लगा कर रखे हैं. Unprecedented nature of Israeli's ban of UNSG. This ban marks a unique occurrence in the history of Israel-UN relation. ये इस प्रकार का जो ban अभी इसराइल ने जो किया है UN chief को आने से रोकने के लिए, एक प्रकार से unique occurrence है history of the Israel-UN relation में. Historically, the closest parallel occurred in 1950 when the USSR accused UNSG gave Lee of bias during the Korean crisis and threatening to veto his re-election. इसी प्रकार से जब USSR ने भी 1950 में इस प्रकार का कोरियन क्राइसिस के रूप में कोरियन क्राइसिस के ऊपर UNSG को क्लेम किया था. In 1987, former UNSG Kurt Waldheim faced a ban from the US due to his involvement in the Nazi war crimes. 1987 में भी वाल्डिन द UNSG के जो चीफ थे वाल्डिन फेस्ड अ बैन फ्रॉम द US के द्वारा ही उनको भी बैन मिला. पहले रशिया के द्वारा UNSG के चीफ को मिला इन द 1950, और यहाँ पर US के द्वारा 1987 में वाल्डिन ने फेस किया ये बैन, क्योंकि बताया गया कि इन्वॉल्वमेंट इन द नाजी वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्वमेंट है. बट दिस वाज आफ्टर हिज टेन्योर एज UNSG. लेकिन जो ये जो कट वाल्डिम ने जो ये उनके ऊपर बैन लगा था उस समय वो UNSG से उनके टेन्योर ख़त्म हो चुकी थी. आर्टिकल 100 पैराग्राफ 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर एम्फेसाइजेस द नेसेसिटी फॉर मेंबर स्टेट्स to respect the independence of, और आर्टिकल 100 और पैराग्राफ 2 में यूनाइटेड नेशन का चार्टर ये एम्फेसाइज करता है द नेसेसिटी फॉर मेंबर स्टेट, जितने भी मेंबर स्टेट हैं उनके लिए नेसेसिटी है टू रिस्पेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल फॉर बोथ फंक्शनल एंड लॉजिस्टिक पर्पसेस. ये पैराग्राफ 2 जो है आर्टिकल 100 का, ये कहता है कि जितने भी मेंबर स्टेट हैं सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनके जो फंक्शनल और लॉजिस्टिकल पर्पसेस हैं उनके ऊपर उनको रिस्पेक्ट दिया जाए. इजरायली क्रिटिसिज्म ऑफ द UN. दिस बैन ऑन गटरस इज अ पार्ट ऑफ इजराइल्स बॉर्डर नरेटिव दैट द UN इज डोमिनेटेड बाई एन एंटी इजराइल कोलिशन ऑफ अरब एंड इस्लामिक नेशन. ये जो बैन जो गटर्स पे किया गया है, एक प्रकार से जो इसराइल जो क्रिटिसिज्म कर रहा है इस बात को लेकर, इज़ अ पार्ट ऑफ इसराइल्स बॉर्डर नैरेटिव दैट जो बॉर्डर बार इसराइल का जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो नैरेटिव दिया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा इज डोमिनेटेड बाय द एंटी इसराइल कोलिशन ऑफ अरब एंड इस्लामिक नेशंस को. तो जो अरब है और इस्लामिक नेशन का जो है कोलिशन है वो कहीं ना कहीं एंटी इसराइल बात कर रहे हैं, और उसमें वो नैरेटिव में यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी जनरल का जो नैरेटिव है उसमें ये बातें डोमिनेटेड नज़र आईं. इसराइल एक्यूजेज एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्कर्स एजेंसी ऑफ कोल्यूजन विद हमास. इसराइल ये भी एक्यूज़ करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है सच एज़ यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी, ये
कोल्यूजन विद हमास, हमास के साथ एक सीक्रेट और इलीगल एग्रीमेंट के साथ उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स एक्यूजेशन ड्यूरिंग ए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू लेबल द यूएन एज एन एंटी सिमिटिक स्वाम्प, एक्सप्रेसिंग frustration over resolution that called for a ceasefire and criticize Israel, which garnered widespread support from other nations. Israel के Prime Minister जो Benjamin Netanyahu हैं, इन्होंने United Nation को एक anti-Semitic swamp कहा। ये ऐसे group है, ऐसा ग्रुप है जो कि विरोधी बातें कर रहा है, विरोधी बातें कर रहा है, एंटी सेमिटिक कर रहा है, विरोधी बातें कर रहे हैं, एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन ओवर रिजोल्यूशन, और साथ में एक जो रिजोल्यूशन जो दिया गया उस पर भी वो फ्रस्ट्रेशन नेतन्याहू कर रहे हैं, फॉर ए सीज फायर एंड क्रिटिसाइज इसराइल, और सीज फायर किया जाए और साथ में इसराइल को क्रिटिसाइज किया उन्होंने। तो इस बातों से जो विच गार्नर द वाइड स्प्रेड सपोर्ट फ्रॉम अदर नेशन, और इनकी बातों को दूसरे नेशन ने भी सपोर्ट किया और इसराइल के अगेंस्ट खड़े हो गए। प्रीवियस बैंस बैन ऑन यूएन ऑफिशियल्स, इसराइल हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ बैनिंग यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल्स एंड रेपोर्टियर्स क्लेमिंग बायस अगेंस्ट इसराइल। इसराइल हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ बैनिंग, इसराइल के पास हिस्ट्री है कि यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल को और जो जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो अपॉइंटेड पर्सन है जो रिपोर्ट तैयार करता है वो भी, उनको भी वो क्लेम करते हैं कि वो अगेंस्ट द इसराइल रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसराइल हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ बैनिंग, ध्यान से सुनेंगे कि इसराइल के पास जो हिस्ट्री ऑफ बैनिंग, वो बैन करता है किसको, यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल को और उनके रेपेटियर्स को, और रेपेटियर्स का मतलब है कि वो पर्सन जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, पर्सन जो वहाँ पर कोई इशू हो रहा है तो उसके लिए वो उस पर रिपोर्ट दे, और वैसे रेपेटियर्स को भी वो बैन करते हैं क्योंकि क्लेम करते हैं कि वो इसराइल के अगेंस्ट बातें लिखते हैं और करते हैं। एंड फेवरेटिज्म टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियन कॉज, और साथ में उनका फेवरेटिज्म जैसा महसूस होता है कि पैलेस्टाइन के को उन्हें फेवरेट करते हैं। लास्ट ईयर इसराइल प्रोहिबिटेड यूनाइटेड नेशन अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफ्टिन फ्रॉम एंट्रिंग the country due to his remarks viewed as a critical of Israel's occupation of Palestinian territories. और last year though भी ये देखा गया कि यूनाइटेड नेशन जनरल के जो अंडर सेक्रेटरी जनरल थे मार्टिन ग्रिफ्टिंस ने भी इस पर रिमार्क किया था, और पैलेस्टीनियन रीजन को जो ऑक्यूपाई किया गया था उस पर इन्होंने गलत रिमार्क दिया था। इस कारण से ये भी एक प्रकार का यूनाइटेड नेशन को जो बैन कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि ये इसराइल के क्रिटिसिज्म, इसराइल के सोच को, थॉट को, उसके अप्रोच को बैन कर, गलत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ग्लोबल रिएक्शन टू इसराइल्स बैन ऑन यूएनएसजी, अब ग्लोबल लेवल पर क्या रिएक्शन आ रहा है जो इसराइल ने यूएनएसजी पे बैन किया, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल पर। द डे फॉलोइंग द इसराइल्स बैन द यूनाइटेड सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल विद द consensus from all P5 members issued a statement. P5 का जो members हैं जिसमें important powerful, और ये जो P5 members हैं ये हैं आपको, एक तो USA हो गया, यूरोप में आप देखेंगे तो वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस हो गए, और यदि आप यूरोप में एक और देखेंगे तो रशिया, और एशिया में आप देखेंगे तो चाइना। ये पांच P5 powerful members हैं, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी के परमानेंट members हैं, और इनके क्या स्टेटमेंट आया, डीमिंग द डिसीजन काउंटर प्रोडक्टिव पार्टिकुलरली इन लाइट ऑफ राइजिंग टेंशन इन द मिडल ईस्ट। और इन पांचों कंट्री की जो ये डिसीजन है वो बोलते हैं कि डीमिंग द डिसीजन, इसराइल को बोलते हैं कि अपने डिसीजन को समझने की कोशिश करें, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, आपके अगेंस्ट हो सकता है, पर्टिकुलरली इन द लाइट ऑफ राइजिंग टेंशन इन द मिडल ईस्ट, और जो मिडल ईस्ट में जो टेंशन राइज कर रहा है इससे लेकर ये जो मुद्दा है इससे आपके अगेंस्ट जा सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। द US स्टेट डिपार्टमेंट also criticized the ban, stating it was not productive for Israel's international standing. और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसराइल का जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बैन जो बैन किया है उसको भी US स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है और बोला है इट इज़ नॉट प्रोडक्टिव एट द इंटरनेशनल लेवल पर।
India's Ministry of External Affairs, while cautious, affirmed that Guterres continues to be recognized as UNSG by India. तो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत कॉशियस है इस बात को लेकर एंड अफर्म करता है दैट Guterres कंटिन्यूज टू बी रिकॉग्नाइज अभी भी UNSG का ही आपको क्या है वो आपको सेक्रेटरी जनरल हैं उनको उस पद पर रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा भारत ने और कोई स्टेटमेंट नहीं दिया।